मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार गोकुल में वैखानस नाम के राजा राज करते थे। एक रात उन्होंने सपने में देखा कि उनके पिता मृत्यु के बाद नरक की यातनाएं झेल रहे हैं। सपने में पिता की ऐसी हालत देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। सवेरे ही उन्होंने राज पुरोहित को बुलाया और पिता की मुक्ति का मार्ग पूछा। मुक्ति का मार्ग पूछने पर राजा पुरोहित ने बताया कि इस समस्या का निवारण पर्वत नाम के महात्मा ही कर सकते हैं, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी हैं। पुरोहित की बात सुनते ही राजा पर्वत महात्मा के आश्रम पहुंचे और पिता की मुक्ति का मार्ग पूछा। महात्मा पर्वत ने बताया कि उनके पिता ने अपने पिछले जन्म में एक पाप किया था, जिस कारण वो नर्क की यातनाएं भोग रहे हैं। राजा ने महात्मा पर्वत से इस पाप से मुक्ति के बारे में पूछा तो महात्मा बोले, मार्ग शीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत और पूजन करें। इस एकादशी का व्रत करने से ही आपके पिता को मुक्ति मिलेगी। महात्मा के वचनों के अनुसार राजा ने मोक्षदा एकादशी का व्रत और पूजन किया। इस व्रत और पूजन के पुण्य प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली। उनकी मुक्त आत्मा ने राजा को आशीर्वाद दिया। कुंडली टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।